वाकई यार कमाल है, यकीन करो अब मुझे समझ आ रही है कि वाकई ये इतनी फेमस बिरयानी क्यों है। जख हो जा जा माड़ा कैसा है तुम, उम्मीद करता है ठीक ठाक होगा, मजे में होगा, बाल बलूंगा सब ठीक है। मुझे कहते हैं राशिद खान और पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं ऋषि। हमने कब कहा कि तुम माड़ा, तुमको निकम्मा कहते हैं। तो माड़ा इस टाइम मौजूद है हम मुल्तान के अंदर, सुबह का टाइम है, गाड़ी को हमने टाकी शाकी मार ली है क्योंकि आज का सीन ऐसा है माड़ा के आज हम जाएगा मुल्तान की फूड स्ट्रीट के अंदर, मजे मजे के ब्यूटीफुल से फूड स्ट्रीट के खाने एक्सप्लोर करेगा और घूमेगा फिरेगा ऐश करेगा। आज की वीडियो का जो स्लोगन है माड़ा वो ये है, खाया पिया हजम किया। और माड़ा हम तुमको यकीन दिलाता है कि अगर तुम वीडियो पूरी देखेगा तो तुमको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगा माड़ा। प्यास क्यों नहीं लगेगा माड़ा, तुम बात सुनो, जब तुम इतने मजे मजे के खाने देखेगा तो तुम्हारे मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो जब मुंह में पानी आएगा वो पानी तुम पी जाएगा तो तुमको प्यास नहीं लगेगा। वेट कर रहे हैं सुहेल भाई का और ये सुहेल भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल सुहेल भाई? ठीक है शुक्र। ये बताएं नाश्ता कहाँ से कर रहे हैं? नाश्ता आज हम करने जा रहे हैं रशीदाबाद फूड स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट है। अच्छा, रिवाड़ी वालों के पास बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है वहाँ पर। चले फिर ठीक है, वहीं चलते हैं और नाश्ता करते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रशीदाबाद फूड स्ट्रीट मुल्तान के अंदर, जो कि मुल्तान के रिवायती खानों का एक मरकज है। और जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा मुझे मजेदार किस्म के खानों की खुशबू आना शुरू हो गई। तो कहीं पर मजेदार किस्म की हलवा पूड़ी बन रही है, कहीं पर फ्रेश ऑयली हलवा पड़ा हुआ है, लस्सी वाले यहाँ पर मौजूद है, फ्रेश किस्म की यहाँ पर रोटियां लग रही हैं और लोग बड़ा एक हैवी किस्म का नाश्ते का सीन बना हुआ है। लोग मजे से यहाँ पर नाश्ता वगैरह इंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी फिर चलते हैं और यहाँ पर मुल्तान का रिवायती नाश्ता इंजॉय करते हैं। नाश्ते में इस टाइम मेरे पास मौजूद है पूड़ी, हलवा, मिसी रोटी, सिरी पाए, रोगनी नान और तंदूरी रोटी। यहाँ पर मौजूद है अचारी चने, ये आ गए सादा चने, मक्खन, अचार और शक्कर, और यहाँ पर लस्सी। तो ये आज मुल्तान का नाश्ता है जो हम यहाँ पर आज मुल्तान के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं ट्राई करने वाला हूँ वो मैं ट्राई करूँगा हलवा पूड़ी को, और फिर देखते हैं कि यहाँ की हलवा पूड़ी कैसी है। ओए होए होए, लेवल यार, बहुत ही मजे का है, क्रिस्पी सी इसकी पूड़ी है और साथ हलवा जो है ना लाइट सा मीठा हलवा है, फ्रेश सा ऑयली हलवा, बहुत ही मजे का है। नाश्ते के लिए तो यार बेस्ट ही है। अच्छा, यहाँ के जो पाए हैं ना वो भी बहुत ज्यादा लजीज हैं, ऐसा मैंने सुना है सुहेल भाई से। तो फिर स्टार्ट करते हैं, खा के देखते हैं कि यहाँ के पाए कैसे हैं। हम पाए को टेस्ट करने लगे हैं मिसी रोटी के साथ। ये मैंने यहाँ पे मिसी रोटी को तोड़ा और ये मैंने पाए के साथ इसका लुक्मा लिया। यार यहाँ के जो पाए हैं ना बहुत ही मजे के हैं, जो एक पाए के अंदर जो मसाला जात होने चाहिए ना यकीन करो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, और नाश्ते के लिए वैसे भी पाए जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे पास इस टाइम मक्खन है, अचार है और शक्कर है। तो हम सबसे पहले मिसी रोटी के साथ मक्खन को शक्कर के साथ ट्राई करते हैं। ओए ओए, सुपर्ब यार, सुपर्ब, अमेजिंग। हम तो इस टाइम नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप भी आए और यहाँ पे आके नाश्ता जरूर एंजॉय करें। मुल्तान के फेमस इश्तियाक लिमका से मैंने दो लिमके लिए हैं इस टाइम, एक है मेरे पास ब्लूबेरी है, दूसरा है मेरे पास लिमका है। इनको ट्राई करते हैं और देखते हैं ये किस तरह के हैं। दोनों को इकट्ठा पीने से तो नहीं पता चलेगा, अकेले अकेले ट्राई करते हैं।
ब्लूबेरी मुझे कोई खास पसंद नहीं है, इसलिए इसको साइड पे रख देते हैं। हम ट्राई करते हैं लिमका। इस लिमके में यार वो बात नहीं है, मैं इसको समझ रहा था शायद ये ना वो लिमका है जो हमने खानपुर डैम पे ट्राई किया था, वो जो बोतल होती है लिमके की, लेमन की बोतल होती है, शिटाक करके उसको खोलते हैं, और उस लिमके की अपनी बात होती है। लिमका ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं है जो खानपुर डैम के लिमके में मजा है। यार एक रिवायत के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप मुल्तान के अंदर आए हैं, आपने फूड स्ट्रीट खाया और आपने नवीद की बिरयानी नहीं खाई, तो आपके बहान में आने के पैसे नहीं पूरे होते। तो इस टाइम हम मौजूद हैं नवीद बिरयानी के सामने, तो चलते हैं और आज इनकी चिकन बिरयानी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनकी चिकन बिरयानी में ऐसा स्पेशल क्या है जो लोग इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं। मैंने ये नवीद की बिरयानी की प्लेट ली है, तो उसके अंदर उन्होंने हमें एक शामी दी है, उसके अलावा एक लेग पीस है और चावल है। देखने में तो ये बहुत ज्यादा मजेदार लग रही है, तो फिर इसको खा के ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले कि चावल का जायका किस तरह का है। वाह यार, बड़ी मजेदार किस्म की बिरयानी है। हम घर में भी बिरयानी खाते हैं, लेकिन इसके जो मसाले हैं, गरम मसाला इसके ऊपर साफ नजर आ रहा है। एक लिमिटेड जो एक बिरयानी के अंदर होते हैं, ना ज्यादा स्पाइसी है ना ज्यादा फीकी है। बहुत मजे की बिरयानी है यार। अंदर ना एक बड़ा हैवी किस्म का सीन चल रहा है, कहीं पर तिक्के पड़े हुए हैं, कहीं पर शामी बन रहे हैं, 20-20, 25-25 शामी बनाते हैं, उसके बाद उसको बिरयानी के ऊपर रख के दे देते हैं। रायते पड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं और बिरयानी खा रहे हैं। अब मैं इसको ट्राई करूंगा रायते और सलाद के साथ और शामी के साथ। वाकई यार कमाल है, यकीन करो अब मुझे समझ आ रही है कि वाकई ये इतनी फेमस बिरयानी क्यों है। अभी अभी नवीद बिरयानी की प्लेट खत्म की है और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा भाई वाह, मजा ही आ गया। और मुझे लग रहा है नवीद भाई से ना दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि रोजाना रोजाना ऐसी बिरयानी खा सके। मुल्तान के फूड स्ट्रीट चटपटी चीज़ों के बिना नामुकम्मल है। मुझे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन थी, तो उन रिकमेंडेशन में खतीजा ने ये रिकमेंड किया था कि कैंट के अंदर बाबा के गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करना। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ बाबा के गोलगप्पों के सामने, और यहाँ पर बाबा जी ने एक बहुत ही अच्छा सा गोलगप्पों का स्टॉल लगाया हुआ है। बड़े ही फ्रेश किस्म के गोलगप्पों की पापड़ी वाले यहाँ पर बाबा जी के पास गोलगप्पे हैं। बाबा जी ने एक प्लेट बना के दिया गोलगप्पों की, तो जो कि विदाउट सैलिड है, तो पहले इसको ट्राई करते हैं। गोलगप्पों का मजा तब भी आता है जब उसकी पापड़ी बिल्कुल फ्रेश हो, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही चटपटी चीजें पसंद करता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि बाबा जी मजीद इसके अंदर इसको मजीद चटपटा करें ताकि हमें और भी ज्यादा मजा आए। बाबा जी से गोलगप्पों को मसाला डलवा कर मजीद चटपटा किया, और चटपटी चीज का मजा ही तब आता है जब उसका जायका कुछ देर तक आपको फील होता रहे। तो अब चटपटा सा गोलगप्पा ट्राई करते हैं, चम्मच को छोड़ो हाथ से खाते हैं देसी तरीके से। अब ऐसे चटपटे गोलगप्पे की फील, भाई वाह, बाबा जी ने तो कमाल ही कर दिया। मजेदार किस्म के चटपटे से गोलगप्पे थे, तो यहाँ पर गोलगप्पों का खट्टा पानी ट्राई करते हैं।
ठंडा ठंडा खट्टा पानी है। जब आपको चटपटे मिर्चे लगी हो ना और उसके ऊपर जब आप खट्टा पानी ट्राई करो और वो भी ठंडा, असल वैसे ही इसके हैं। बाबा जी इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा जी ने इतने मज़ेदार हमें गोलगप्पे खिलाए हैं और वो भी विदाउट चार्जेस। थैंक यू बाबा जी। ओके मीठा मीठा गोला खाने का किया तो उसको एक्सप्लोर करते हुए मैं पहुंचा एमडीएम मुल्तान फारूक के स्पेशल गोले पर, जिन्होंने यहां पर बड़ा हैवी किस्म का गोले का सीन बनाया हुआ है और इनका मेवों वाला खोए वाला ठंडा ठंडा रंग बिरंगा गोला देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। आप मुझे ये बताएं कि यहां का गोला क्यों फेमस है? ये गोला हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि हम गोला जो होता है इसमें डालते हैं, जो हम अपने घर वाले खाने तैयार करते हैं उसके अंदर काजू बादाम रसगुल्ले चेहरे वगैरह डालते हैं, गोला बहुत स्पेशल हो जाता है। और जो आप सिटी से लोग आते हैं वो स्पेशली फारूक गोले के पास गोला खाने आते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पुराने हैं। देखने में तो गोला बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है, बचपन से हम गोला खाते हैं लेकिन वो सिर्फ बर्फ के साथ ऊपर जामाशीरी होती है, लेकिन ये गोला कुछ ज्यादा ही स्पेशल किस्म का लग रहा है। तो फिर हम इनका गोला ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका गोला कैसा है। यार अगर आप मुल्तान के अंदर आए ना तो मुल्तान की गर्मी को अगर आपने दूर करना है ना, उसका सिर्फ एक वाहिद हल है और वो है एमडीए का स्पेशल मशहूर गोला, जो कि इस टाइम मैं गर्मी को दूर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट बाइट लेते हैं, ओए 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 कमाल, खोए का जो जायका आता है ना दरमियान में बहुत ही लेवल। इसको आप ट्राई करते हैं पाइन एपल के साथ, पाइन एपल लेते हैं और उसके साथ हम काजू लेते हैं और साथ खोए के साथ इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बर्फ के साथ खोया और काजू मिल जाते हैं ना, और जो वो मज़ा देते हैं सारे पैसे उसके। इस गोले ने तो सच में मज़े करवा दिए हैं। ये गोला देखने में जितना ज़्यादा मज़े का था खाने में उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर करके मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया, तो मैं आप लोगों को भी इनवाइट करूंगा कि आप लोग भी मुल्तान के अंदर जरूर आए और मुल्तान फूड स्ट्रीट को एंजॉय करें। इन सब डिशेस के अंदर आपकी फेवरेट डिश कौन सी थी ये आपने मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ब्लॉग का इख्तिताम करूंगा तो मरी ना सवाद ना कगान मिलसों, जींदे रहे तो ढोला मुल्तान मिलसों। कीप सपोर्टिंग राशिद के ब्लॉग।